ये वीडियो गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आखिरी तक देखना। आज आपके जितने भी डाउट हैं सिंगिंग कंपटीशन को लेकर, डांसिंग कंपटीशन को लेकर, इंडियन आइडल से रिलेटेड या फिर के पॉप से रिलेटेड, वो सब क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर सगोर कोनवार लिखते हैं कि जो इंडियन आइडल मराठी है उसमें हम कैसे अपना ऑडिशन दें। तो देखो गाइज, इंडियन आइडल के ऑडिशंस निकले हुए हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन इंडियन आइडल मराठी के बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, आपके वीडियो एंड होते ही इंडियन आइडल मराठी के ऑडिशंस निकल जाएं, तो कभी भी निकल सकते हैं इंडियन आइडल मराठी के। फिलहाल अभी जो ऑडिशंस निकले हुए हैं इंडियन आइडल के, उनके बारे में अगर आपको जानना है, वो किस स्टेट के हैं वो अगर आपको जानना है, तो वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पर मैं इंडियन आइडल के ऑडिशंस डाल दूंगा, वो लिंक डाल दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस स्टेट के ऑडिशंस निकले हुए हैं अभी। नमन एक्स ऑफिशियल यहाँ पर लिखते हैं कि मैं 14 साल का हूँ, मेरी एज डेट ऑफ बर्थ 27/3/2008 है, लेकिन मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर के अंदर अप्लाई नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ। देखो, इंडियाज़ बेस्ट डांसर एक डांसिंग शो है, इसके ऑनलाइन ऑडिशंस निकले हुए हैं, जिनको नहीं पता बताना चाहूँगा। अगर आप कैसे फॉर्म फिल करना है ये जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज याद रखो, कमेंट बॉक्स जो पहला कमेंट होगा वहाँ पर सभी ये लिंक मिलेंगे, तो सारे लिंक्स मैं लगा दूंगा। और जिनका नहीं हो पा रहा, जिनके 14 है या 14 साल से कम है, उनके ऑडिशंस नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं, और कोई डांसिंग शो आएगा, डांसिंग कंपटीशन आएगा, तो उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी तैयारी करके रखिए सुपर डांसर चैप्टर 5 की। सुपर डांसर चैप्टर 5, जिनकी एज 14 साल से कम है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो नहीं कर पा रहे इंडियाज बेस्ट डांसर में, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुपर डांसर चैप्टर 5 में आप अप्लाई कर सकते हैं, बस अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। VGNN सिंगिंग वीडियो यहाँ पर लिखते हैं कि इंडियाज़ गोट टैलेंट भी आता है 2023 का, कब आएगा वो बता दो। इंडियाज़ गोट टैलेंट एक ऐसा टैलेंट शो है जहाँ पर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, कलाकार हैं, या फिर आप स्टंटमैन हैं, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो यार, अभी इंडियाज़ गोट टैलेंट के बारे में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि इंडियाज़ गोट टैलेंट कभी भी आ सकता है। वैसे इसी मंथ में आता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के बिटवीन में आता है, लेकिन जैसी कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको कन्फर्मली बता दूंगा। रिया यहाँ पर लिखते हैं कि भैया, क्या इंडिया में आईपॉप ओपन हो सकता है? आईपॉप जितना मैं जानता हूँ, ये एक इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट ऑफ पीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फोकस है प्रमोटिंग पीस, पीस को प्रमोट करना यानी शांति बनाए रखना, ह्यूमन राइट्स बताना, सोशल जस्टिस, ये इसका एक तरह से हम मोटिव कह सकते हैं। लेकिन आपने ये क्यों पूछा, मुझे नहीं पता। बाकी आईपॉप अगर आप किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे के पॉप कोरियन कल्चर हो गया है, ऐसी आईपॉप है कुछ इंडोनेशिया हो सकता है या कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो आप एक बार पूरा क्लियर कर दीजिए कि आईपॉप क्या है। बाकी अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं आईपॉप क्या है, या किसी और को बताए कि आईपॉप क्या है ये, तो मुझे बता सकते हैं। AK चौहान एंटरटेनमेंट यहाँ पर लिखते हैं कि सर, इंडियन आइडल में क्या गाना गा सकते हैं? देखो यार, इंडियन आइडल हो, कोई भी सिंगिंग शो हो, क्या गाना गाना है, कौन सा गाना आपको चूज करना है, और वो कौन सा तरीका है जिसको आप अपनी सिंगिंग वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अपना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, पूरा समझाया हुआ है, और वो वीडियो का जो लिंक आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने जैसा बोला था, अभी तक 3 वीडियो हो गई, तो तीनों वीडियो के लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। PS डांसर यहाँ पर लिखते हैं कि सर, डांस दीवाने कब आने वाला है? देखो यार, डांस दीवाने का तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सुपर डांसर चैप्टर 5 आने वाला है, और इंडियाज़ बेस्ट डांसर अभी चली रहा है, आप अपने ऑडिशन दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आप देखना, अभी तो लोगों को नहीं पता चल रहा कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर के ऑडिशंस लोग दे नहीं रहे, लेकिन जब वो टेलीविजन पे आ जाएगा तब लोग पूछेंगे यार, इंडियाज़ बेस्ट डांसर के ऑडिशंस कैसे दें। तो आप बता सकते हैं कि 1 महीने हो गए हैं उसको निकले, 1 महीने बाद ही टेलीविजन पे आएगा इंडियाज़ बेस्ट डांसर। विनीत कुमार यहाँ पर लिखते हैं, सर जो आपने इंडियाज़ बेस्ट डांसर का बताया था, ऐसे आपको फॉर्म फिल करना है, और हम अगर दिल्ली लिख देते तो कोई प्रॉब्लम होगी? तो यार देखो, दिल्ली लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट मुझे जितना पता है, मुझे मेरी जो नॉलेज कहती है वो यही है कि अब दिल्ली के तो ऑडिशंस हो गए हैं, ग्राउंड ऑडिशंस, कोलकाता के भी हो गए हैं, रह गए हैं मुंबई के। अगर आप मुंबई प्लेस चूज़ करते हैं तो फिर
आपके चांसेस हैं कि वो लोग आपको मुंबई बुलाएं ऑडिशन के लिए, लेकिन दिल्ली वालों का मुझे लग नहीं रहा कि जो लोग दिल्ली ऑप्शन चूज़ करेंगे उनको बुलाया जाए, क्योंकि दिल्ली के ऑलरेडी ऑडिशन हो चुके हैं। अब आप चूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्या पता दोबारा से दिल्ली में लें, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तानवी मंगला ऑफिशियल यहाँ पर लिखती हैं कि मेरा एक सवाल है, मैंने जो अपनी डांसिंग की कोरियोग्राफी है वो पॉपिंग और रोबोटिक मिक्सिंग सॉन्ग के साथ की है, तो क्या मैं ये चूज़ कर सकती हूँ ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, पॉप और रोबोटिक मिक्सिंग सॉन्ग? तो देखो ये एक डांसिंग स्टाइल है, मुझे ऐसा ही लग रहा है जिस तरह से आपने पूछा है, और इंडियाज़ बेस्ट डांसर के लिए डिफरेंट दो डांसिंग स्टाइल की आपको वीडियो भेजनी है, एक एक मिनट की, 90 सेकंड की, और वीडियो का साइज़ 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप पूछ रहे हो तो बिल्कुल आप भेज सकते हो, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा, क्योंकि अगर पॉपिंग या फिर रोबोटिक मिक्सिंग टाइप के कोई दो डांसिंग मूव्स है या टाइप ऑफ डांस है तो आप भेज सकते हैं, एक जज इसको आसानी से समझ जाएगा कि आप किस तरह के डांस कर रहे हो या किस तरह के डांसर हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी वेट करिए 15 डेज में आपको ये रिजल्ट बता देंगे। अजय नॉलेज यहाँ पर लिखते हैं, सर क्या एक्टिंग के कोई ऑडिशंस नहीं होते? बिल्कुल एक्टिंग के बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, लेकिन एक्टिंग के बारे में जानने वाली जो ऑडियंस है बहुत कम है, इसलिए हम लोग एक्टिंग के बारे में ज़्यादा कवर करते नहीं हैं। आप एक काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो वेरीफाइड हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, वो अपनी कास्टिंग डालते रहते हैं, बताते रहते हैं, इस वेब सीरीज़ के लिए एक्टिंग है या फिर इस टीवी एड के लिए एक्टिंग है, इस टीवी सीरियल के लिए एक्टिंग है, तो आपको बस ये देखना हो वेरीफाइड कास्टिंग डायरेक्टर हो, आपको सारा डेटा मिल जाएगा। बाकी आप चाहते हैं कि मैं भी आपको एक्टिंग के बारे में बताऊँ, ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ, तो कुछ ऑडियंस हो, 100-200 लोग देखने वाले हो, तो डेफिनेटली मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सोहिल खान यहाँ पर लिखते हैं कि हेलो सर, इंडिया लाफ्टर चैम्पियन के ऑडिशंस कैसे होते हैं? ये एक लाफिंग शो है और इसके अंदर शायद जो एज क्राइटेरिया है वो 14 साल से कम है, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सालों से आया भी नहीं है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल अभी इंटरनेट पर भी नहीं है, ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। जैसी आएगी आपको सिंपली एक ऑनलाइन ऑडिशन फॉर्म फिल करना होगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएम वंडर वर्ल्ड बोलते हैं कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर का ऑनलाइन ऑडिशन मैं दे नहीं पा रहा क्योंकि नेक्स्ट का बटन काम नहीं कर रहा। इसके लिए आप एक अच्छा इंटरनेट रखिए अपने पास, और अच्छे इंटरनेट के साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि अभी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो सकती है। तो आप अगर रात को अपना फॉर्म फिल करेंगे तो हो जाएगा, या फिर सुबह बहुत जल्दी उठकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम लोग कम रहते हैं, अपना फॉर्म फिल बहुत कम लोग करते हैं, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। खुशी आ रही यहाँ पर लिखती हैं कि सर एक बात पूछनी थी कि जो स्कॉलरशिप होती है इसका ऑफिशियल फॉर्म कहाँ पर मिलेगा और ऑडिशन कैसे देना है नहीं देना, मतलब कहने का मतलब यही है कि ये स्कॉलरशिप के थ्रू ज्वाइन करना चाहती हैं केपॉप कोरियन म्यूज़िक को या कोरियन इंडस्ट्री को। देखो कोरियन इंडस्ट्री काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, अगर आप ऑडिशन देते हैं तो फिर आपको बुलाया जाता है, आपका रहने का लिविंग एक्सपेंस और भी बहुत एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, उसका जो प्राइस टोटल अगर हम एस्टिमेट बताएं तो 10 से 15 लाख लग जाता है 3 साल का। तो बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप के थ्रू हम कैसे जाएं, क्योंकि स्कॉलरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपके सिर्फ 1 लाख या 50 हज़ार में ही काम हो जाएगा, 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और ये बहुत इजी प्रोसेस भी बताया जाता है। मोस्टली पीपल स्कॉलरशिप के थ्रू ही केपॉप के ऑडिशंस दे पाते हैं या केपॉप के अंदर सेलेक्ट हो पाते हैं। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है स्कॉलरशिप को लेकर, जहां मैंने बताया कि ये इंडस्ट्रीज़ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। जी हाँ, मैंने बताया हुआ है कि ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ। हर चीज़ मैं आपको एकदम बताऊँगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका एक काम रहेगा कि आप सभी लोग, चाहे आप डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, अपनी प्रैक्टिस में कोई भी कमी मत छोड़िए। बाकी ऑडिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या कोई अदर कन्फ्यूजन से रिलेटेड मैं आपको
सभी अपडेट देता रहूँगा इसी तरह से। गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। बहुत सारी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, आप लोग मिस कर देते हैं देखना, बाद में आपको पता चलता है कि मैंने और वीडियोज़ में इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो आप कोशिश करिए, टाइम निकालिए, एक वीडियो को कंटिन्यू देखिए ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जो फर्स्ट कमेंट होगा, जो पिन कमेंट होगा, उसके अंदर मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस को बताया कि इनको आप देख सकते हैं, उनके लिंक्स मैं डाल दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।